नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। विधानसभा चुनाव में यूपी की सत्ता से योगी को बेदखल कर दें, यह दहाड़ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा। आपको बता दें कि अधिकार और सम्मेलन में संबोधित करते हुए राजभर ने भाजपा पर आरोपों की बौछार की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि अब तो कैब की रिपोर्ट भी आ गई है। मोदी जी अगर योगी जी की जाँच करवा दें तो योगी जेल में होंगे। प्रदेश में पूरी तरह से लूट मचा रखी है। सभी पार्टियां प्रभु सम्मेलन करने में लगी हुई है, इसलिए हमारा दल पिछड़ों को जगाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुक्तान अंसारी को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दिल्ली की पार्लियामेंट में आधे से अधिक तो अपराधी हैं। मुक्तान अंसारी मुसलमान है, इसीलिए सब लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं। बसपा, कांग्रेस, भाजपा अपने दामन में झांक कर देखें। बसपा प्रमुख पवन पांडे को टिकट देने की बात करें, क्या वो अपराधी नहीं है? ऐसा ही खबरों के लिए आप देखते रहे राजभर तक। अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दूसरा स्टेट बगल में बात दिल्ली, 201 यूनिट मिली। यहाँ बहुत से लोग यूनिट नहीं कर देंगे। 201 यूनिट बिजली दिल्ली में 70 रुपया में मिलती है। कितना रुपया में? 70। और तोहरी यहाँ उत्तर प्रदेश में 201 यूनिट बिजली 2300 में मिलती है। दिल्ली में 70 रुपया में और यूपी में 2300 में। हम चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी आपके पावर से रहमत, आपके पावर दिए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। 2022 खाली ज्यादा नहीं, 6 महीना अम्बेडकर बिल आवे एक तो रुपया जमा मत करा, हम करते 6 महीना बाद उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल सरकार बना करके माफ कर दूंगा। 5 साल लगातार बोला कितना दिन चार रहा कि 5 साल लगातार बिजली का बिल माफ रहे। सब लोग आप लोगों का बिजली का बिल माफ हो तब जब 22 में सरकार बनी। हिम्मत तो किया कि हम दोबारा आएंगे, कहीं कहो नहीं कहा माफ ना भाई। जब सब लोग मेहनत करवा लपटवा तब हुई यही हम आपके आश्वस्त करते हैं। ये देश में ओम प्रकाश राजभर ने लोकतंत्र रूपी तालाब में ऐसा पत्थर फेंका हूं, गरीबों तेरा बिजली का बिल माफ करना पड़ेगा चाहे किसी की सरकार बने। दूसरा काम का होता आप देखा कोरोना में कितना जने तंबाकू के लिए बेचारे दवाई की मांग बोला दवाई बिना मतलब ना। कोरोना में अस्पताल में भर्ती ना भैया, कोई के ऑक्सीजन ना मिले, कोई के वेंटिलेटर ना मिले। हम का चाहते 22 में सब लोग मिलके, हम सब लोग मिलके 22 में सरकार बनाने वाले हैं। और सरकार बना के कानून बना दिया जाए, उत्तर प्रदेश में कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो बीमार होता है, ईश्वर न करे कि आप बीमार हो। यदि आप बीमार होते हैं, इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, ऐसा कानून हम उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। तो बताओ ये कानून बने के चाहिए कि न बने के चाहिए? कितना जने चाहते हो कि कानून बनने के चाहिए? भाई मुद्रिका चौबे की खड़ा हो जाना, जोरदार ताली बजा करके मुद्रिका का लगत बनने। प्राइवेट स्कूल में फीस ज्यादा लगत हो, और गरीबन का लड़का तो पढ़ा तुम्हार सरकारी स्कूल में। तो हम का चाहते ही हम लोग एक गोल बना ले। देखा हमरे मुरली राजभर जी हैं जिलाध्यक्ष, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे कैलाश राजभर जी हैं यहीं। और तो और मजे की बात, सीताराम भी यही है, सीताराम भी है और उमेश इधर। इस सब लोग मिलके का चाहते हैं जो
बीमारी आप कहो वही बीमारी के हम लोग ठीक करना चाहते हैं। एक समान शिक्षा जवन पाठ्यक्रम जवन किताब सरकारी प्राइवेट स्कूल में है वह किताब सरकारी स्कूल में लागू करे बदे हम कानून बनावे चाहते 2022। एक समान शिक्षा जवन पढ़ाई अमीर के बेटा के वह पढ़ाई गरीब के बेटा की बोला ठीक रहे कि ना ठीक रहे। एक समान शिक्षा फ्री शिक्षा अनिवार्य शिक्षा कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री बिना पैसा में पढ़ाने का कानून हम उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं 2022। आप बताओ ये कानून बन जाता ठीक रही कितना देने के ठीक रही आप देखा सारी सुविधा इसके बाद भी जो आप बताएंगे वो सुविधा दूंगा इसके बाद भी एक कानून शिक्षा पे बनाऊंगा जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोला सही है कि ना सही है भाई हम सब सुविधा दे काहे ना भेजबा कृष्ण में ना भेजबा तो कोई तो भेज देती है तब तो भेजबा एक तरह का कानून जब कड़ाई हुई तब हमारे का बेटा बेटी पढ़ाई पर जोर लगाई है तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा ई लागू करे बदे हम लोग यहाँ आप लोग आयल बाय बरसात रहल है बरसात से ही होता लगे कार्यक्रम होई कि न होई चलल जाए कि न चलल जाए एक भ्रम की सृष्टि थी लेकिन साथियों आप घबराओ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा करंट लगाया कि सब छपिया बोला चाहे ईमानदारी से छपिया तो सब कितना छपिया सबसे ज्यादा भाजपा ही परेशान है ना लेकिन इना सब जब ओम प्रकाश राजभर का चाहते हैं हम चाहते हैं ये देश में जातिवाद जनगणना हो जाए। अब आप लोग मालिक हुआ ही बतावा जेकर नाव राशन कार्ड में न रहे ओके राशन मिली ना मिली जब तोहार ड्यूटी है ना बा कि पंडित जी कितना बाएं भाऊ साहब कितना बाएं यादव जी कितना बाएं पटेल जी चौहान बिंद केवट मल्ला धोरी घर का पासी खट्टी खेला कुगड़ा कितना बाएं बंजारा कितना बाएं बहिलिया कितना बाएं आरक कितना बाएं गुजर कितना बाएं अर्कवंशी कितना बाएं बिंद केवट मल्ला निषाद कितना बाएं जब एक गिनती ना हुई तो बोला हिस्सा मिली तो गिनती हो चाहे कि ना हो भारतीय जनता पार्टी हम आने का गिनती ना करावल चाहता अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आपके बीच में वोट मांगे आवे ओके बैठा के पानी पिया देहा चाय पिला देहा उनसे कह दिया कि नेता जी देखा टू लाइन का लोहा नेता बता के गयल हूँ बनत रही तब बनत रही बनत रही तब बनत रही अब न बनी हमरे तोहरे रंजरा चाहे खुशी रहा तू अपने घरे हम अपने घरे आदि लोग के बताना कि अब ये देश में हमारे हई तो हमारे के हिस्सा मिले के चाहे कि न चाहे आओ पांचवा कानून क्या बनी इस सरकार में मोदी जी योगी जी कहा कि हम बहुत शौचालय बनवा देली आवास बनवा देली आवास वही के मिला था जो 30,000 रुपया घूस दे बोला सही है गलत है अब ये बेचारा के 30,000 रुपया ना बा तब बोला हुआ आवास पाई ना पाई हम 22 में सरकार बना के कानून बनाना चाहते हैं कि हम अपने नेताओं के माध्यम से जैसे उर्मिला राजभर जी जो पंजरा विधानसभा की अध्यक्ष महिला मंच खड़ा हो जाइए भाई उर्मिला जी जोरदार ताली बजा करके पंजरा इनका स्वागत करिए मालती राजभर जी अरे दिहाड़ी पर मजदूरी करत हुए ट्रैक्टर पे माटी लादत हुए कोई के खेत में काम करत हुए तब अपन जीवन चलत हुए आई लोग
30,000 दिल्ली लखनऊ बैठ के 30,000 रुपया ले दूंगा। अब बदनाम के बाप प्रधान जी ये देखा जाना हुआ कैसे होगा का होगा ये जब दिल्ली से दिल्ली जब उत्तर प्रदेश से आप पूरे देश के मुख्यमंत्री बुलाए जाते हैं तो उनको पैसा दिया जाता है कि आप यहाँ से ले जाओ और अपने अपने प्रदेश में आवास बनवाओ। लेकिन ऊपर वाले के कुछ देवे के बाद अब ऊपर वाला के बाद मोदी जी है ना। अब हमारे के यूपीए का बात करें अब योगी जी आ गई अब योगी जी 75 जिला से सीपीओ के डीएम को बुला लिए कहा भाई देखिए आप आपके जिले में अलग अलग किसी के यहाँ 20,000 किसी के यहाँ 15,000 किसी के यहाँ 10,000 आवास बनना है। लेकिन ऊपर देवे के बाद कहाँ देवे के बाद ऊपर अब देखा के अब ओकरे पास सीपीओ डीएम गए अपने जिला में अब वो बुलाए वहाँ सेक्रेटरी और वीडियो को बुलाए सीपीओ को बुलाए बुला के वहाँ मीटिंग कहे कि देखिए यहाँ 20,000 आवास आया है। लेकिन ऊपर देवे के देखे मुख्यमंत्री के हम मान जाए आप सीपीओ आकर के वीडियो की मीटिंग ले रहा है तो वीडियो से कह रहा है कि देखो भाई आवास तो तेरे ब्लॉक में 800 आवास है लेकिन ऊपर देवे के आप बेचारा सेक्रेटरी वीडियो जन तो सेक्रेटरी के मीटिंग लेके बता दे रहा कि देखा आवास तैयार बा लेकिन ऊपर देवे के बाद अब सेक्रेटरी या उनको प्रधान जी के समझा बनता कि प्रधान जी देखा तोरे गांव में 100 आवास आयल बा लेकिन ऊपर देवे के बाद ऊपर ऊपर चला था कोई खोलत ना हो कि का देवे के बाद आई ऊपर ऊपर चला था आ ऊपर ऊपर हाल का भय तब प्रधान जी पूछत के ऊपर का देवे के हा कहां जाता नहीं तू 1,000 तो देवे के बाबू देखा हम खाली 2,000 तक का तब क्यों दोगे। अरे मोदी जी से लेकर योगी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीएम से लेकर सीडीओ वीडियो से लेकर सबका मिला के 28,000 हो गया हमरो जोड़ लेवे तो 28 तो प्रधान जी का तंत्र ठीक बन जा हम जुगाड़ करत नहीं तो प्रधान जी से जब सब ऊपर है लेवता तो प्रधानों जी कहो गेल ना गांव में का हो आवास चाहिए हां हम प्रधान जी तो का तंत्र ठीक बा देखा ऊपर 30,000 देवे के ऊपर 30,000 देवे के और आई ना कोई बतावा तो कि लोग घुस मांगत हैं यही वजह साथी हम कानून बनाओ चाहते ही अपने नेताओं के माध्यम से अपने नेताओं के माध्यम से जैसे हमारे इंदू राजभर जी और कुंवरी राजभर जी ये हमारे नेता हैं और हमारे भाई रोशन राजभर जी के साथ भरत राजभर सुगर राजभर निकले युवक का मल्ला का बेटा अर्कवंती का बंजारा का बहेलिया का बेटा थाने पर दरोगा और सिपाही आने लगेगा 100 सिपाही की भर्ती होगी गरीबों जिनके बेटा बेटी नहीं बन पाए उनको 11% मिलेगा 100 में 11 सिपाही की भर्ती 100 में 11 दरोगा की भर्ती तेरे बेटा बेटी का होगा तेरा हिस्सा कोई लूट नहीं पाएगा इस नाते हम कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन योगी जी का कहे हमसे कहे कि मत बोला खाली मुसलमान के खिलाफ बोला हमको तो ही बोला यार महात्मा हो झूठ क्यों बोलते हो। मोदी जी कहा ना कहा कि पूरा एकदम कहीं थाना एकदम खुशहाल का थाने पर एक को पैसा घुस मसाई ना लगा ला आप बतावा थाने पर घुस ना लगा था पिछली सरकार में अगर 500 रुपया में काम खाने को होत रहा तो योगी जी के राज में कम से कम 20,000 लग रहा लगा तो ना लगा था भ्रष्टाचार बढ़ल की ना बढ़ल और तो छोड़ दा ये मन से हो सका कोई गैर कोई कु बनाए सरकारी एजेंसी एक बार सीए की टीम के कैग कहला कैग ने रिपोर्ट दे दिया योगी जी कुंभ में टेंपू पर मोटरसाइकिल पर स्कूटर पर मट्टी ढोवा वाला कुंभ में रिपोर्ट आ गई बा कई करोड़ का घोटाला योगी जी ने करा लिया कुंभ में। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा दिया जाए कि योगी जेल में होंगे
जिस तरह लालू यादव जेल में गए थे उसी तरह ये भी जाएंगे। इन्होंने धर्म के नाम पर भी धोखा, इस नाते साथ ही हमारी बात बहुत साफ सुथरी है, ये देश में हम आने हई तो हम आनों के हिस्सा भी लेके चाहे कि न चाहे कितना जने के चाहिए नहीं देखा हमने चार जने लड़ी लखनऊ अपने पार्टी से खाली चार जने जीता लड़ी और चार एमएलए हम लोग जीत के घर लड़ी है तो बताओ हम लोग लखनऊ में लड़ाई लड़त लड़ी कि ना लड़त लड़ी बोला सदन में हमने हल्ला करत रही कि ना करत रही देखा यहाँ पीआरडी का जवान कुछ आए गए ये लोग के 375 रुपया मिला ना भत्ता और वही होमगार्ड के साथ और चौकीदार के भारी सरकार जब मैंने विधानसभा में पूछा सवाल सीएम से मुख्यमंत्री से कि आजादी के पहले का बना हुआ पीआरडी इसके खिलाफ आप क्यों हो अगर होमगार्ड को 702 रुपया देते हो तो पीआरडी के जवानों को भी उसी थाने में वो भी ड्यूटी करता है जहाँ होमगार्ड करता है तेरा पुलिस करती है वहीं पीआरडी का भी जवान करता है तो पीआरडी को भी उनको भी सर्विस देने का काम करो महीने में कम से कम 25 दिन नौकरी देने का उनको भी काम करो। अब चौकीदार इन्हें लोगों के मिला ला कितना ढाई है नौकरी करनी है एक महीना बारे योगी जी यहाँ अगर मजदूरी भी जोड़ ला 300 के हिसाब से तो 900 हो जाता और देख कितना हम ढाई है हम तो कहली कि सबके 10,000 दे बस उन पर नहीं तो सोच ला कि सदन चली तो अगले दिन ओम प्रकाश सागर सदन की कार्रवाई बाधित तब तक करूंगा जब तक इनका हिस्सा नहीं देना मेरा लेकिन वही दिन संख्या के छोड़ भगल सदन की कार्रवाई रोक दिया नहीं चलेगी हमके चलो कब बोलोगे तो हमारी लड़ाई शांति बहुत साफ सुथरा यार बताओ लड़ाई सही हो कि गलत हो कितना जने के सही हो सही हो तो देखा अब आप लोगों से हमारा निवेदन है कि 27 सितंबर अगला महीना जो नहीं वो मत 27 तारीख के हिम्मत था कि कल ये चल रहे हैं तुम लोग।